हाय, सो गुड मॉर्निंग। फिर एक बार मैं कोनिक्स लेके आ गया हूँ। तो कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि टैंजेंट एट द पॉइंट कैसे निकालते हैं। होपफुली तुम लोगों को याद भी होगा क्या था वो शॉर्टकट। थोड़ा एक बार बता दो कि ये शॉर्टकट था टैंजेंट एट द पॉइंट में डील करने का। और मैंने पैराबोला पे काफी क्वेश्चंस बना के दिखाए थे तुम्हें कि देखो ऐसे ऐसे तरीके से तो बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो शॉर्टकट था कि बस इतना याद रखना है, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना है, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना है, एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एक्स वन होल अपॉन टू, वाई को रिप्लेस करना है वाई प्लस वाई वन होल अपॉन टू से। फिर बदले में जो मिलेगा वो मिल जाएगा टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट द पॉइंट। तो काफी इजी सा कॉन्सेप्ट था वो। अच्छा, उसी में पैरामेट्रिक टैंजेंट अगर तुम्हें चाहिए तो जस्ट एक्स वन वाई वन विल बी रिप्लेस बाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे पैराबोला के केस में ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी होता है, तो यही एक्स वन वाई वन है। एलिप्स के केस में ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होता है। हाइपरबोला के केस में ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा होता है। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था एलिप्स में। आज चलता हूँ आगे की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय द टैंजेंट एट, फाइंड द इंटरसेप्ट, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाई टैंजेंट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बाई टैंजेंट एट पाई रूट थ्री बाई टू, पाई रूट थ्री बाई टू कॉमा माइनस टू टू द एलिप्स एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू वन। तो ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, सोल्यूशन में कोई बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगाना है। ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। ये एक एलिप्स है, ठीक है, और ये टैंजेंट ड्रॉ कर दिया गया यहाँ पे, सपोज करो ऐसे। ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हो गया यहां से लेके यहाँ तक एक्स इंटरसेप्ट और यहां से लेके यहाँ तक वाई इंटरसेप्ट। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन लाइन का इक्वेशन हो उसे एक्स इंटरसेप्ट, और ए को एक्स इंटरसेप्ट और वाई को बी इंटरसेप्ट कहते हैं। तो अभी इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला तो है नहीं। अभी सबसे पहले निकाल लो टैंजेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू वन एट फाइव रूट थ्री बाई टू, फाइव रूट थ्री बाई टू कॉमा माइनस टू। तो ये तो सीधा सीधा है कि देयर फॉर एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा एक्स एक्स वन, फाइव रूट थ्री बाई टू बाई 25। y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वाई वाई वन, ठीक है, इक्वल टू वन। फिर जो कटेगा वो कट जाएगा, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा एट। तो एक्स रूट थ्री बाई टू बाई फाइव माइनस वाई बाई एट इक्वल टू वन। अब एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए तुम्हें वाई जीरो डाल देना चाहिए, या तो फिर उसी सेम फॉर्म में लेके आओ। कोई कहे कि मुझे स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे ढंग से आता है, तो भाई तेरे लिए तो फिर मेरे पास एक ही चीज है,
एक्स अपॉन ये हो गया 10/√3। अब क्योंकि तुम लोग जेई का पेपर देने जा रहे हो तो इतने वीक भी नहीं हो गए कि तुम्हें पता ना चले कि क्या है, तो देयर फॉर एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 आ गया। तो एक्स इंटरसेप्ट 10/√3 एंड वाई इंटरसेप्ट -8 हो गया। तो होपफुली इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि बच्चे देखे और उन्हें नहीं समझ में आए। तो देख लो एक बार, अच्छे ढंग से देख लो। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इतना ही इंटरेस्टिंग है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि अ टैंजेंट टू द एलिप्स मेट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस ए एट ए एंड बी एंड टचेस द एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एट द पॉइंट व्हिच बाइसेक्ट ए बी, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पॉइंट गायब कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर कोई बच्चा कल बोले कि मुझे चाहिए, और टैंजेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, टैंजेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, कोऑर्डिनेट एक्सिसेस एट ए एंड बी, कोऑर्डिनेट एक्सिसेस को ए एंड बी पे मिलता है, एंड टचेस द एलिप्स, एंड टचेस द एलिप्स, एंड टचेस द एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एलिप्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है, एट द पॉइंट विच बाइसेक्ट, एट द पॉइंट विच बाइसेक्ट ए बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। अभी क्वेश्चन मेरे पास है। चलो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोला है, सिर्फ एक डायग्राम बना के तुम समझ सकते हो कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, पहले मैं एलिप्स कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने लिया, ये मैंने एलिप्स बना लिया। ये खत्म हो गया, कलर चेंज करता हूँ मैं। ये एक टैंजेंट बना लिया, ये बना लिया टैंजेंट। फिर ये मैंने मेरा ड्राइंग टूल लेके बता दिया कि ये ए है, सपोज करो ए कॉमा 0 है, ये बी है, ये 0, बी है। अच्छा, ए बी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी एलिप्स में भी ए बी दिया है। तो एलिप्स के केस में अगर कोई बच्चा बोले कि एलिप्स का ए क्या होता है, वो तो इतना पॉइंट होता है, ये ए है, इसे कुछ और नाम देते हैं, और इसे बी नाम दे दिया, पी नाम दे दिया,
x1 y1 का नाम दे दिया, तो फिर इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसे मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, कुछ और नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी फंडा तो यूज करेंगे, रुको, ये मैंने टैंजेंट का इक्वेशन ले लिया। ठीक है, तो एलिप्स का इक्वेशन क्या है, एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और मैंने पहले ही ले लिया है कि एक्स वन वाई वन है, तो इस हिसाब से ये हो गया एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। बट ये आंसर तो दिया ही नहीं है, इसका आंसर समथिंग कुछ अलग सा है, सिर्फ ए बी में है, ए एक्स प्लस बी वाई समथिंग ऐसा है। फिर मैंने ये निकाला कि ये ए क्या होगा, तो ए निकालने के लिए फिर मैंने क्या किया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस है लाइन का, तो मैंने इसमें वाई जीरो डाल दिया, तो ए स्क्वायर बाई एक्स वन ये आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई एक्स वन कॉमा जीरो ये आ जाएगा। फिर मैंने वाई वाई निकालने के लिए, फिर मैंने मतलब वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स जीरो डाला, तो बी स्क्वायर बाई वाई वन आ जाएगा, ये आ गया जीरो कॉमा बी स्क्वायर बाई वाई वन ये आ गया। फिर क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, कोई बोले क्यों, ये तो दिया है, क्लियरली दिया है कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के हिसाब से एक्स वन इक्वल टू जीरो प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स वन बाई टू, तो इस हिसाब से एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट प्लस माइनस, डायरेक्ट ए बाई रूट। इसी तरह अगर मैं बात करूं बी वाई वन की, तो वाई वन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई वाई वन प्लस जीरो बाई टू, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई टू, तो y1 इक्वल टू b बाई रूट टू, ये तो आ गया x1 y1। तो फिर यहाँ पे रीपुट कर दो, देयरफॉर जैसे ही रीपुट करोगे ये जो टेंजेंट है वो बन गया x a बाई a स्क्वायर रूट टू प्लस y b बाई रूट टू b स्क्वायर इक्वल टू वन। एक ए तो इससे चला गया, एक बी तो इस इधर से चला गया, रूट टू कॉमन आ गया, वो तो ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू रूट टू ए बी रूट टू ए बी। सो ये क्या, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, लेट मी चेक, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी रूट टू, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी रूट टू, ठीक है, यही आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा ही कुछ छोटा सा लॉजिक है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द एलिप्स, यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द एलिप्स x-3 का होल स्क्वायर बाय 9 प्लस y-5 का होल स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू वन एट 5,11/3। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। तो इसमें मतलब फिर वही बात हो गई कि दिखने में सर तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन लिटरली बहुत इजी। हाँ, लेकिन अभी बच्चा जरूर बोलेगा कि सर शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो इसके दो तीन तरीके हैं, या तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करो,
शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करके फिर शॉर्टकट लगा के फिर उसमें रिपुट करो, या फिर इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन करो और फिर लगाओ, या फिर एक जो स्टैंडर्ड टेक्निक बताई थी कि डीवाई बाई डी एक्स जो होता है वो स्लोप ऑफ द टैंजेंट होता है, जनरल स्लोप ऑफ द टैंजेंट होता है, और जब वो पॉइंट डाल दिया जाए तो स्पेसिफिक स्लोप हो जाता है, पर्टिकुलर टैंजेंट हो जाता है। ठीक है, सो कैसे जाए? मेरे हिसाब से यहाँ पर तो मैं प्रीफर करूंगा कि डेरिवेटिव से ही जाए, क्योंकि डेरिवेटिव निकाल लूंगा तो स्लोप मिल जाएगा। तो चलो डेरिवेटिव वाला मेथड भी ट्राई करते हैं। तो इस हिसाब से 2x-3/9, ठीक है, y-5 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y-5 इनटू dy बाय dx, ठीक है, अपॉन 5 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से तो आ गया 2y-5 dy बाय dx, dy बाय dx बाय 5 इक्वल टू -2x-3/9, 2 कट गया। फिर ये इसके नीचे स्लोप ऑफ टैंजेंट जो आ गया वो आ गया dy बाय dx, ठीक है, इसे जनरल स्लोप ऑफ कहते हैं। मतलब इस कर्व पे कोई भी टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप इसी के फॉर्म में रहेगा, -5x-3/9 into y-5 हो गया। लेकिन अगर तुम्हें स्पेसिफिक स्लोप चाहिए, एग्जैक्टली स्लोप, तो वो पॉइंट डालना पड़ेगा dy बाय dx 5, 11/3। जैसे ही डालोगे तो ये हो जाएगा 5-3 और ये हो जाएगा 9, ये हो गया 11/3-5। तो ऊपर तो तुम्हें कितना आ जाएगा 2, तो -10 हो जाएगा। नीचे तुम्हें कितना आएगा 9 into 11-15-4/3 आ जाएगा। इससे इसको काटोगे तो 3 आ जाएगा, इससे इसको काटोगे 2 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो स्लोप ऑफ टैंजेंट हुआ। फिर कोई बच्चा बोले स्लोप ऑफ नॉर्मल तो बहुत इजी है, m डैश स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप इजी है, कितना आ जाएगा -6/5, नेगेटिव रेसिप्रोकल। टैंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y-y1 इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ x-x1। नॉर्मल जो बन जाएगा वो बन जाएगा y-y1 इक्वल टू -6/5/(x-x1)। अगर आप देखोगे तो इसमें सारी चीजें आ गई। अब आगे की सिंप्लीफाई वाली प्रोसीजर तुम करो, कि मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी चीज मैंने लिखा है, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और अगर जो बच्चा जानना चाहता है फाइनल आंसर क्या है, तो एक मिनट, मुझे आंसर वाले पेज पे जाना होगा, देखना होगा आंसर क्या है। आंसर आंसर बता रहा है, ओके, तो आंसर बता, नॉर्मल तो बता रहा है 9x-6y। स्लो को गड़बड़ा रहा है क्या, तो मैंने सही लिखा है 5/11/3-4/3-2। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ही गलत कॉपी किया था, इसलिए इसका आंसर भी मैं, मुझे कुछ गलत दिखा है। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे 2 था, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 रहे चाहे 5 रहे, क्या फर्क पड़ता है। देखो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो बदल जाएगा, फर्क तो नहीं पड़ता है, क्वेश्चन तो बदल जाएगा लेकिन प्रोसीजर तो वही होगा। तो ये आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये आंसर गलत हो जाएगा।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ. अ टैंजेंट टू द एलिप्स, ये सारी जो चीजें चल रही है टैंजेंट एट द पॉइंट की चल रही है, और ये मैंने बहुत सारी बुक्स से लिया है. जैसे मैंने पियर्सन यूज किया है, अरिहंत यूज किया है, फिर केसी सिन्हा यूज किया है, आर डी शर्मा यूज किया है, और मैंने बहुत हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं निकाले. मेरा तो टारगेट है कि पहले तो कोनिक्स तुम ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लो कि मेंस में कितने कंटेंट है, और मेंस में जितना पढ़ा रहा हूँ उतना मेंस के लिए सफिशियंट है. अब वो पोल पोलार ये सब जब एडवांस के लेक्चर लूंगा तो बताऊंगा कि उसमें क्या होता है. हालांकि उसकी कोई मुझे तो नहीं लगता कोई जरूरत होती है. मैं तो एक चीज मानता हूँ कि जिस क्वेश्चन में लगे कि ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा दिमाग लग रहा है, पहले तो उसे इनिशियली छोड़ दो. क्यों मालूम है? क्योंकि 4 मार्क के पीछे अगर हम 40 मार्क छोड़ते हैं, ठीक है, तो फिर बेवकूफी है. ओनिक्स में हालांकि बहुत कॉन्सेप्ट वाले तो न्यूमेरिकल मैंने भी नहीं देखे अभी तक, मैंने तो सारे पेपर सॉल्व किए हैं, तो मैंने अभी तक देखा तो नहीं है. लेकिन हाँ, इतना मतलब कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि मेंस में तो डेफिनेटली इतना ही आएगा जितना पढ़ा रहा हूँ. सेंटर ऑफ एलिप्स. इस नोट्स के साथ मैं इस लेक्चर के साथ नोट्स ऐड कर देता हूँ, उसमें देख लेना तुम्हें तो मालूम है कि मेरी नोट्स में सब कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में सारी चीजें होती है. तो एक बार देख लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है. ओके, क्या बोलता है कि टैंजेंट टू द एलिप्सिस पे टैंजेंट मीट्स द एक्स एक्सिस एट पी एंड वाई एक्सिस एट क्यू, वही सेम फंडा पीछे वाला, शो दैट ए स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ओक्यू स्क्वायर इक्वल टू 1. सो मैंने क्या किया, ये एलिप्स ड्रॉ कर लिया, ये एलिप्स हो गया, इस पे निकाला टैंजेंट. थोड़ा सा मुझे इरेजर यूज करना पड़ेगा, ये गायब हो गया. फिर ये पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी ले लिया है, एक्स वन वाई वन एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये उसका सेंटर है. तो मुझे लगता है इसमें अंडू करके बाहर रखता हूँ. क्योंकि थोड़ा सा ये भी तो मुझे दिखाना है. तो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. फिर ये पी है, ये क्यू है, जो जो क्वेश्चन दे रहा है ना, ये ओ है, ओ इज द सेंटर, ये रहा ओ. तो चलो ठीक है, मैं अगर पूछूं कि इसका इक्वेशन क्या होगा तो एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट. After getting the equation of the tangent, फिर मैं P निकालूंगा. तो वही सेम फंडा है कि P निकालने के लिए Y जीरो डाल दो. तो थोड़ा कलर चेंज करके Y जीरो डाल लेता हूँ. जैसे Y जीरो डाला तो ये आ जाएगा A square by X1, comma 0. ये आ जाएगा 0, comma B square by Y1. Hopefully ये भी तुम्हें समझ गया होगा. फिर A OP square. अब OP, OP तो फिर ये x इंटरसेप्ट है, ए स्क्वायर बाई एक्स वन, और ओ क्यू मतलब ये हो गया y इंटरसेप्ट, बी स्क्वायर बाई वाई वन. ठीक है, तो ये हिसाब से एल एच एस अगर मैं ले लू ए स्क्वायर बाई, ठीक है, ये डाल दिया ए स्क्वायर बाई एक्स वन, श्योर एक्स वन ही आ रहा होगा, x x1 by a square, ठीक है, a square by op square, op square, जब op का square करना है तो फिर तो ये a raise to 4 हो जाएगा, ठीक है, ये x1 square हो जाएगा, b square by oq square, oq square मतलब इसका square, b square, b raise to 4,
बी रेस टू फोर बाई वाई वन स्क्वायर, तो कटेगा ऊपर नीचे से, तो ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ये तो वैसे भी होने ही वाला है क्योंकि ये जो पॉइंट है वो तो एलिप्स पे भी लाई करता है। तो सिंस अगर मैं ऐसे देखूं, सिंस P lies on P x on x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Therefore, it will satisfy x1 square upon a square plus y1 square upon b square equal to 1. तो देखो फिर इसमें कोई बड़ी चीज तो नहीं है, आ तो गया equal to, therefore 1 equal to RHS, hence proof. अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये आता है क्या ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रूफ करने के लिए, तो देखो मैं फिर क्लियर कर दूं, ये पूछा जाएगा कि देन ए स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ओक्यू स्क्वायर इक्वल टू से लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू व्हाट, ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखो बनाया तो बहुत अलग अलग एंगल से इसको जा सकता है, ठीक है। आगे आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि आज ने अब अगले लेक्चर में जब तुम मेरे साथ बैठोगे तो मैं इसमें और भी बड़ी चीज करूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल एक ही टाइटल के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। अगर बच्चे ने देखा कि मतलब जैसे एक मिनट मैं इसमें क्लियर करता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन में ढूंढ रहा था, तो एक ही टाइप की चीज पढ़ा रहा हूँ क्या, वही इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एट द पॉइंट वाली चीज पढ़ा रहा हूँ, कुछ हटके तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, ये भी मेरे को काफी अच्छा न्यूमेरिकल लगता है, प्रॉपर्टी है एस एम एन एस डैश एम डैश आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू द एलिप्स ऑन एनी वन ऑफ द टैंजेंट्स, प्रूव दैट एस एम इन टू एस डैश एम डैश इक्वल टू बी स्क्वायर। ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है, तो फिर मैं ले लेता हूँ इसे ही। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि इफ एस एम एंड एस डैश एम डैश, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसे मैं लिख लेता हूँ। If SM and S dash M dash are the length of perpendicular, are length of perpendicular, ये तो बहुत बच्चों की डिमांड आई थी कि कोनिक्स थोड़ा सा रिवीजन करवा दो, तो मैंने सोचा कि करा देते हैं थोड़ा सा कोनिक्स आप लोगों को फ्रॉम फोकाई। फिर मैंने ऐसे लिया कि ये जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारे एक ही तरह के न्यूमेरिकल होंगे, एक ही तरह का फॉर्मूला होगा। अभी इसमें अलग अलग 8 सेगमेंट बनाए, तो आपका पूरा सर्कल से लेके हाइपरबोला तक सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, कुछ उसमें नहीं होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऑन एनी वन ऑफ द टैंजेंट्स, ऑन any one of the tangents, then कुछ बच्चे बोलेंगे प्रूफ दैट क्यों लिया, प्रूफ दैट वाले न्यूमेरिकल, फिर वही चीज कि प्रूफ दैट के न्यूमेरिकल बहुत लोगों को लगता है सर एमसीक्यू फॉर्मेट में आता तो ज्यादा अच्छा रहता, ये सब तो रिजल्ट है यार, ये सब तो वैसे भी एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पूछे जाएंगे लेकिन एज अ रिजल्ट, ठीक है। अब मैंने एक ले लिया एलिप्स, मुझे ड्रॉ करना है, ये ले लिया मैंने एलिप्स, उसके ऊपर थोड़ी सी क्योंकि ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन इसका रखते हैं, फिर एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एक टैंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं, इस कलर से ड्रॉ करते हैं,
फिर एस और ये कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ब्लू से मैं एस दिखा देता हूँ। एस फॉर फोकस, एक सर्कल यहाँ पे दिखा देते हैं। फिर एक लाइन और ले लेता हूँ, ठीक है। ये होने के बाद नेमिंग्स करता हूँ मैं, ओके। तो ये है एस जो होता है ए ई कॉमा जीरो, ये है एस डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो, ये है परपेंडिकुलर एम डैश और ये है परपेंडिकुलर एम। तो परपेंडिकुलर तो एस एम, लेंथ ऑफ एस एम इंटू लेंथ ऑफ एस एम डैश। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला का रोल तो वैसे भी आ गया, जो बच्चा समझदार है वो बोलेगा ये पॉइंट अवेलेबल है लेकिन इस लाइन का इक्वेशन नहीं अवेलेबल है। तो कोई बच्चा बोले वो तो बनाया जा सकता है, चाहे एक्स वन वाई वन में बना दो चाहे। अच्छा, कभी कभी ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना हमें क्या करना होता है कि अगर तुम्हें चाहिए कि एक अप्रोच ईजी मिले तो टैंजेंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लो। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप क्यों नहीं ले रहे थे। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में डील करना तो आसान है मेरे लिए, बट बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं एक्स वन वाई वन में लेता हूँ। तो आप चाहे तो एक्स वन वाई वन में भी ले लो, मेरे को उससे इश्यू नहीं है। एक्स एक्स वन सॉरी एक्स वन और ये हो गया वाई वन, ये एक्स वन वाई वन हो गया। तो इस हिसाब से टैंजेंट का इक्वेशन बना एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन को माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो तुम्हें तो ये मालूम भी होगा और मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है कि कभी भी जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो ना तो आर एच एस इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला अब मैं लगाने जा रहा हूं, मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ, अब पहले एस एम निकालता हूं, ए ई आ जाएगा यहां पे एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए ई, फिर ये जीरो हो जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा और ये काट दो, ठीक है। ये नीचे हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ का स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर बाई ए रेज़ टू फोर, ठीक है। फिर यहाँ पे वाई प्लस अंडू कर देते हैं, ये ले दिया प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी रेज़ टू फोर। तो जिन बच्चों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे ये है ना पॉइंट पी अल्फा बीटा और ये है लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर तुम्हें मैंने कहा कि पी क्यू निकालना है तो लेंथ ऑफ पी क्यू ऐसा निकलता है अंडर रूट मॉड ऑफ, पहले तो आता है नीचे आता है अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस सी स्क्वायर मत कर देना नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, एक्स की जगह पे अल्फा आ जाएगा और वाई की जगह पे बीटा आ जाएगा। तो बस वही सेम लॉजिक मैं लगा रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब फिर मैंने क्या किया कि इसमें x की जगह पे माइनस ए डाला तो माइनस ए एक्स वन बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये y तो जीरो हो गया, माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर बाई ए रेज टू फोर प्लस वाई वन स्क्वायर बाई बी रेज टू फोर हो गया। तो होपफुली तुम लोगों को यहां तक तो डाउट नहीं आया होगा, जो कटता है काट दो। अब देखो सबसे पहले तो अंडर रूट कभी भी पॉजिटिव होता है,
ठीक है, जीरो होने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अच्छा जीरो भी हो सकता है, अंडर रूट पॉजिटिव होता है, ये वर्ड मत पकड़ के चलो। मैं तो कह रहा हूँ जो एलिप्स का जो नीचे हमने क्रिएट किया वो तो जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, एलिप्स है ना भाई, एलिप्स में लेंथ तो रहेगा ही रहेगा, पॉइंट सर्कल तो है नहीं, तो नीचे का तो मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो रूट हट गया। और ऊपर भी कैसे आ रहा है मालूम है, एक्स वन ई अपॉन ए माइनस वन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो एक्स वन ई अपॉन ए प्लस वन, क्योंकि माइनस मॉड माइनस का मॉड प्लस हो जाएगा। सो वही मैं समझा रहा था कि क्या आएगा, तो इसे तो समझ लो एक्स वन ई अपॉन ए माइनस वन इंटू एक्स वन ई अपॉन ए प्लस वन, और नीचे जो आएगा एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए रेस टू फोर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी रेस टू फोर, होपफुली यही आएगा। मैंने सही लिखा है शायद, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए रेस टू फोर वाई वन स्क्वायर अपॉन बी रेस टू फोर ई एक्स वन अपॉन ए, ठीक है चलो। अच्छा अभी तक तो मैं आंसर पे आ गया होता अगर मैंने पैरामेट्रिक पॉइंट लिया होता, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे फिर क्यों नहीं लिया, तो तुम लोग के लिए ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई बच्चा बोलेगा मॉड इंटू मॉड होता है क्या? अच्छा मॉड ऑफ टू इंटू मॉड ऑफ थ्री कितना होता है बताओ? सिक्स ही होता है ना, इसको लिख सकते हैं टू इंटू थ्री। फिर एक बोले कि अगर मॉड ऑफ माइनस टू इंटू मॉड ऑफ थ्री होता तो भी सिक्स ही होता है, क्यों ऐसे ही होता है, तो मॉड मॉड का मल्टीप्लाई होता है, उसके लिए डरो मत। सो ये ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो ये हो गया एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर, और ये तो नीचे वही है एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए रेस टू फोर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी रेस टू फोर। फिर कोई कहे कि ई स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एलिप्स में तो होता है क्या होता है एलिप्स में, ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये चीज हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन। ठीक है तो अब हम यहाँ पे आ गए एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए रेस टू फोर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी रेस टू फोर, यहाँ तक पहुंचा है। फिर ये ए रेस टू फोर तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है, अपने को चाहिए बी स्क्वायर प्रूफ करना। क्या लगता है कटना चाहिए, कैसे जाए, क्या लॉजिक लगाए कहीं तो लॉजिक, चलो ठीक है खोल देते हैं, और क्या, और तो कुछ बचा नहीं है, कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, ये ए रेस टू फोर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए रेस टू फोर, ठीक है अपॉन एक्स वन स्क्वायर बी रेस टू फोर प्लस वाई वन स्क्वायर ए रेस टू फोर अपॉन ए रेस टू फोर जो चला गया मान लो बी रेस टू फोर, ऐसा सिंप्लीफाई हो गया। फिर क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसे अगर मैं ऊपर ले लूं तो एक्स वन स्क्वायर, यार बड़ा हेक्टिक होते जा रही, तो एक्स वन वाई वन में अभी पैरामेट्रिक लिया होता तो ठीक है, कोई बोले कि अभी से ले लो पैरामेट्रिक कोई बात नहीं, एक्स वन की जगह पे ए कॉस थीटा डाल दो, वाई वन की जगह पे बी साइन थीटा डाल दो, तो अभी से भी ले सकते हैं क्या ना, क्यों नहीं ले सकते, अभी से भी ले सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है, एक्स वन स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है अभी से भी अगर मैं पैरामेट्रिक डाल दू तो ये तो हो जाएगा ए रेस टू फोर ए स्क्वायर ए कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है माइनस बी ए ए रेस टू फोर,
a^4 हो जाएगा, और नीचे जो जाएगा ये b^4 यहाँ चला जाएगा, a^2 b^4 cos^2 + a^4 b^2 sin^2 फिर क्या, तो फिर ऐसे कर लेते हैं कि इन दोनों में से a^4 माइनस के साथ कॉमन लेते हैं तो sin^2 बन जाएगा, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं, तो इक्वल टू, अगर माइनस के साथ a^4 कॉमन ले लेते तो 1 cos^2 बन जाएगा, फिर 1 cos^2 माइनस a^2 b^2 cos^2 माइनस a^2 b^2 cos^2, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा a^2 b^4 cos^2, a^2 b^2 कॉमन आ जाएगा, इन शॉर्ट a^2 b^2 कॉमन आने के बाद यहाँ पे into b^4 बनेगा, ठीक है। फिर a^2 b^2 कॉमन आया, b^2 cos^2 + a^2 sin^2 आ रहा है, b^2 cos^2 + a^2 sin^2 ये आ रहा है, तो a^2 कटेगा नहीं, अभी मत काटते हैं, कॉमन लेके काटेंगे, ठीक है। चलो फिर क्या कर सकते हैं, अच्छा b^2 को तो काट सकते हैं ना, ये आ गया b^2, a^2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस के साथ कॉमन ले लेते हैं, माइनस a^2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा a^2, ठीक है, a^2 sin^2 + b^2 cos^2, ठीक है, अपॉन b^2 cos^2 + a^2 sin^2, ठीक है, into b^2। अब ये कट गया, अच्छा, और ये a^2 भी गया, अब आंसर आ रहा है -b^2। अब ये गलती इसलिए आ रही है, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो जब अननोन रहे, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, मॉड, दो मॉड का मल्टीप्लाई से मॉड हटा दिया, लेकिन जब अननोन रहे ना तो बेटर है सारे कैलकुलेशन को मॉड में करो, क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने मॉड हटा दिया और बाहर नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, तब हम ट्रैप हो जाएंगे कि भाई प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ कैसे नेगेटिव होगा, लेंथ तो नेगेटिव नहीं होगा ना। और मेरे हिसाब से बच्चों अगर करना ही है न्यूमेरिकल को तो कुछ कुछ न्यूमेरिकल को पैरामेट्रिक फॉर्म में करो, जैसे ये जो था न्यूमेरिकल अननेसेसरी काफी खींच गया, अब ये पैरामेट्रिक में होता ना तो फटाक से, क्योंकि मेरे पास, मैंने इसको सॉल्व भी किया है, 3-4 मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है, तो मुझे पैरामेट्रिक इसमें फटाक से लगा कि जल्दी आंसर आ जाएगा। अच्छा अभी ये वीडियो कट होने के बाद फिर मुझसे रीज्वाइन कर लो, ठीक है, जो बच्चे देख रहे हैं मुझे रीज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके बाद एक बार और लेक्चर में लूंगा, ज्यादा नहीं, 30 मिनट का लेक्चर होगा, और उसमें इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो क्या है, एट द पॉइंट का टारगेट मैंने रखा आज, किसी भी तरीके से खत्म करना है, ठीक है। चलो एक 10 मिनट के बाद हम वापस से जुड़ेंगे, वापस से हम 10 से 15 मिनट के बाद जुड़ जाएंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने को है, सोच रहा था मीटिंग में ही एंड कर दूं, या रुको चलो एक न्यूमेरिकल और हो जाएगा, जितना टाइम है उसमें मुझे लगता है एक न्यूमेरिकल में और कर लूंगा। अब मोस्टली प्रूफ दैट वाले रखे हैं क्वेश्चंस मैंने। अब क्या बोल रहा है, एट द पॉइंट पी ऑन द सर्कल, एट द पॉइंट क्यू ऑन द एलिप्स, टैंजेंट्स आर ड्रॉन टू द रिस्पेक्टिव कर्व्स, इफ पी एंड क्यू हैव द सेम एब्सिस, शो दैट टू टैंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ऑन एक्स एक्सिस। अब सीसा सेम है
प्रूफ करना है दोनों एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है चलो फटाक से क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख क्या लेते हैं, लिखेंगे नहीं ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया सर्कल, फिर मैंने ड्रॉ कर दिया एलिप्स। मुझे लगता है स्टैंडर्ड वे में ड्रॉ करूं तो ज्यादा अच्छा है। ये एलिप्स कर दिया, ये लाइन एक ले लिया, सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ फटाक से। सर्कल आ जा भाई, टाइम नहीं है। ओके सर्कल, ये है सर्कल, सर्कल कर दिया ड्रॉ समथिंग ऐसे। ये बोला है तो उल्टा हो जाएगा, फिर सर्कल थोड़ा सा बड़ा आएगा। देर हो रही होती है, जल्दी इसे कर देते हैं डिलीट। काम करते हैं इस क्वेश्चन को आफ्टरवर्ड लेते हैं, क्योंकि डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करना है। प्रणय जुड़ रहा है, प्रणय इसके बाद लेक्चर ले रहा हो, जो बच्चा अभी जुड़ेगा उसे याद रखना है कि सर सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं 10 मिनट के बाद। जब तक एक चाय की चुस्की ले लो फिर आ जाओ 10 मिनट के बाद, और एक लेक्चर होगा तो फिर आई होप कि टैंजेंट एट द पॉइंट वाला फंडा खत्म हो जाएगा। और ये सब जो मैंने क्वेश्चंस निकाले आर डी शर्मा, ठीक है, अरिहंत, अमित अग्रवाल, इनमें से निकाले, ठीक है। तो और काफी कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैंने खुद भी क्रिएट किए हैं, मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये वाला भी डाला जा सकता है। और सब सिंपल क्वेश्चन है, सब मेंस लेवल के न्यूमेरिकल है। इसमें आप एक काम करो, आप मोस्टली फिर एक बार मुझसे 10 मिनट बाद ज्वाइन हो जाओ, जब तक ये वीडियो की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और इसे मैं अपलोड कर दूंगा, और फिर उसके बाद आगे की चीजें करते हैं। तो दोस्त हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन मी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ये वाली मीटिंग को करते हैं हम द एंड।